तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि एचएसएससी का मोस्ट अवेटेड एग्जाम है सीईटी एग्जाम, जिसको लेके आज बलराज कुंडू जी ने, जो एमएलए हैं, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न किया। तारांकित प्रश्न 250 थे इस मानसून सत्र के, 185 के करीब शायद गैर तारांकित प्रश्न है। उसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सीईटी की डेट शीट और साथ ही साथ सीईटी का पैटर्न क्लियर करने को कहा, क्योंकि लाखों बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, तकरीबन 11 लाख के करीब फॉर्म है। तो आज मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद क्या रहता है, इस चीज को जानने के लिए पहले मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया वो देख लेते हैं। मनोहर लाल जी का ये ट्विटर हैंडल है एमएल खट्टर नाम से। ग्रुप सी और डी के पदों के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा सीईटी का टेस्ट 5, 6, 7 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इस परीक्षा को आयोजित करवाने का कॉन्ट्रैक्ट एनटीए को दिया हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया हुआ है। यानी अब इस चीज को लेके कोई शंका नहीं रही, जो बार बार खत्री जी के इंटरव्यू से होता है, भाई एनटीए ने मना कर दिया, एनटीए ने काम नहीं ले सकते, वो सब विराम लगा दिए। क्योंकि विधानसभा में जो उत्तर दिया होता है वो एक तरह से कानूनी रूप से वैध उत्तर होता है, उसके लिए जवाबदेही होती है सरकार की। आप विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कोई झूठा स्टेटमेंट नहीं दे सकते, और ये स्टेटमेंट डेफिनेटली रिकॉर्ड भी हुआ है। तो क्या एनटीए द्वारा तय समय में पेपर तैयार कर दिया जाएगा? तो एनटीए को वैसे तो पहले ही इस 12th बाद के लेवल के एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत कम थी। एनटीए के जो बेसिक पेपर है, वो भी बेसिकली मैं कहूँ जनरल नॉलेज बेस्ड, वैसे नीट वगैरह करवाते हैं वो, जेईई वो 12th बेस ही है, लेकिन जीके की कह रहा हूँ मैं। लेकिन अब एनटीए ने यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट करवा दिया और उसके अलावा 2-3 एग्जाम करवा दिए, इसका मतलब वो तैयारी है उनका, उस लेवल का अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त कर लिया है, प्रैक्टिस हो गई है उनको। तो डेफिनेटली एनटीए द्वारा पेपर तय समय में सरकार को दिया जाएगा, मतलब 5, 6, 7, ये शनिवार है, ये रविवार और ये सोमवार है, इन 3 दिन में परीक्षा हो जाएगी। 11 लाख है तो तकरीबन रोज के 3.5 लाख के करीब, 6-4 लाख के करीब बच्चे हैं वो परीक्षा देंगे डेली, 1 दिन में, 3 दिन में पेपर होंगे। अगर मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट लेंगे तो 1.5 लाख बच्चों के पेपर हो जाएंगे। अब बड़ी सवाल आती है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पेपर कराने के लिए तैयार है? तो ये थोड़ी सी अपने आप में एक विशेष बात हो जाती है। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा है तो डेफिनेटली एचएसएससी पे इस चीज़ का दबाव बनेगा कि मुख्यमंत्री जी की विधानसभा सेशन के दौरान कही हुई बात को वो सही साबित करें। एनटीए और सीईटी विवाद के, अगर इस विवाद की हम बात करें, उससे पहले मैं बता दूं ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगामी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। एनटीए ने सीईटी टाइप का कोई एग्जाम अभी तक किसी स्टेट बॉडी के लिए कंडक्ट नहीं किया था, इसलिए एनटीए इस चीज से बच रहा था। एनटीए के पास समय अभाव भी बहुत है, चल रहा है, उसकी बहुत कमी चल रही है समय की, इसलिए भी एनटीए इस चीज को अवॉइड कर रहा था। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि समझौता हो चुका है, तो दैट मीन हमें मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के सदन के दौरान कही हुई बात का भरोसा करना चाहिए और इस समझौते के अकॉर्डिंग 5, 6, 7 नवंबर को सीईटी की तैयारी की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम भी सीईटी के लिए आपको मटेरियल हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।